आज तक मैंने ऐसे किसी सक्सेसफुल इंसान को नहीं देखा जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी मिसिंग है। फिर चाहे वो कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट हो, या सिंगर हो, या एथलीट हो, या चाहे बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, इन सब में अगर कोई एक क्वालिटी कॉमन है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। प्रॉब्लम यह है कि बचपन में स्कूल के टीचर्स के मुँह से डिसिप्लिन मेंटेन करो ये डायलॉग डांटते जैसा करके सुनते सुनते हमारे दिमाग में इस डिसिप्लिन वर्ड की कुछ ऐसी मीनिंग बैठ गई है कि डिसिप्लिन मतलब जो काम मैं नहीं करना चाहता उस काम को जबरदस्ती करना, जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की जो रियल मीनिंग है वो इसका बिल्कुल ही उल्टा है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जो काम मैं करना चाहता हूँ वो काम एक रूल फॉलो करके रेगुलरली करना। क्या आप रेगुलर पिज्ज़ा बर्गर खा के बीमारी लगा के आधी उम्र में टपक जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो क्या रेगुलर पिज्ज़ा बर्गर खाने के लिए आपको किसी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है? नहीं ना। अब बताइए, क्या आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके अपनी पूरी ज़िंदगी हेल्दी रह के बिताना चाहते हो? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब सेल्फ लव, मतलब खुद को प्यार करके शासन करना, खुद से खुद को कहना, मुझे पता है तेरा मन कर रहा है पिज्ज़ा खाने का, लेकिन मैं तुझसे इतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुझे जंक फूड खा के अपने शरीर को और नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकता। या शायद, मुझे पता है कि कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में तेरा मन नहीं लग रहा, तुझे दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं तुझे इतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ कि एग्ज़ाम में फेल होने के बाद मैं तुझे डिप्रेस्ड रहते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अभी पढ़ाई में मन लगे या ना लगे तुझे मेरी बात मान के पढ़ना होगा। और 2013 में विलहेम हॉफमैन द्वारा किया गया एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं वो लोग सेम सिचुएशन में दूसरे लोगों से ज़्यादा खुश रह पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजीली लाइफ में पॉजिटिव डिसीशंस ले पाते हैं, जहाँ पे दूसरे लोग कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करूँ या ना करूँ, डाइट मेंटेन करना शुरू करूँ या ना करूँ, जिस वजह से सही तरह से डिसीजन ना ले पाने की वजह से वो और भी ज़्यादा अपसेट एंड स्ट्रेस हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसी सिंपल स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसे फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। चार्ल्स ड्वेक अपने पावर ऑफ हैबिट बुक में बताते हैं कि हमारी हर एक हैबिट के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है जो हमारे अंदर उस हैबिट को फॉलो करने की टेम्पटेशन को जगाने लगता है, अब फिर चाहे वो कोई गुड हैबिट हो या फिर बैड हैबिट। सोचिए, आपने तय किया कि आज से आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करोगे। इधर आपकी घर की फ्रीज़र में आइसक्रीम, कैडबरी ये सब भर भर के रखा हुआ है, तो फिर जब भी आप फ्रीज़र ओपन करोगे आपका मन करेगा वो सब चीज़ खाने के लिए, जिससे आपके लिए डाइट मेंटेन रख पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने तय किया कि आज से आप हर रोज़ जॉगिंग करने जाओगे। अब अगर आप अपने रनिंग शूज़ को बाहर निकाल के अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दोगे जहाँ पे जाते आते वो चीज़ बार बार आपको नज़र आएगा, तो फिर तब ये रनिंग शूज़ जॉगिंग करने के लिए रोज़ आपके लिए एक ट्रिगर के जैसा काम करने लगेगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले हमें बैड हैबिट्स के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें अपने नज़रों के सामने से हटाना होगा, क्योंकि एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और जो गुड हैबिट्स के ट्रिगर्स हैं उनको और भी ज़्यादा अपने आँखों के सामने ला के रखना होगा। स्टेप नंबर 2, बैलेंस शेड्यूल। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 जो कहते हैं मेरा जब मन होगा तब मैं इस काम को करना शुरू करूंगा, और नंबर 2 जो कहते हैं मैं अभी इस काम को करना शुरू करूंगा ताकि इस काम को करने के लिए मेरा मन करने लगे। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? अगर आप हमेशा अपने फीलिंग्स और इमोशंस पे डिपेंड करके एक्शन लेते हो तो आपको हमेशा मुसीबत में पड़ना होगा, क्योंकि पढ़ने बैठने का मन तब तक नहीं होगा जब तक इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई स्टार्ट करने में आप लेट नहीं हो रहे। डाइट मेंटेन करने का मन तब तक नहीं होगा जब तक कि ना कोई बड़ी बीमारी दिखाई देने ना लगे। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अपने भले के लिए खुद से प्यार करके खुद के लिए खुद एक शेड्यूल तैयार करना। सोचिए, कुछ ही दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। अब आपकी बुद्धि कह रही है अब तो तुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। इधर से आपकी मन ने कहा, दिन में 1 घंटे पढ़ा नहीं जाता और 6 घंटे पढ़ने की बात हो रही है। तो दोनों के बीच में समझौता करके फाइनली रोज़ 3 घंटे पढ़ने का गोल फिक्स्ड हुआ। मन ने कहा, ठीक है 3 घंटे फिर भी पॉसिबल है। इधर बुद्धि ने भी कहा, हाँ 3 घंटे भी कुछ कम नहीं है। तो इस रेगुलर 3 घंटे की शेड्यूल को पकड़ के रखना होगा। अब आती है टाइमिंग, किसी को रात में पढ़ना पसंद है तो किसी को सुबह में। तो सुबह हो या रात, जो टाइम अच्छा लगे उस हिसाब से 3 घंटे की शेड्यूल बना के दिन में बस वो 3 घंटे आपको अपने पढ़ाई में डिवोट कर देना है। बस उस 3 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई,
दूसरा और कुछ नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों के बीच में समझौता करके फिर ये शेड्यूल तय किया गया है। इसलिए ऐसे में दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स भी मिनिमम होते हैं कि अभी करूँ या ना करूँ। ऐसे हर एक काम में मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस कर पाने से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रख पाना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। स्टेप नंबर 3, फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। सोचिए आपने मन और बुद्धि के बीच में समझौता करके फिर तय किया कि अब से आप शाम के 6 बजे से 9 बजे तक हर रोज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। 2 दिन प्लान मुताबिक चलने के बाद तीसरे दिन बिल्कुल शाम के ठीक 6 बजे ही कोई एक इमरजेंसी काम आ गया, जिस वजह से आप अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए। फिर 2 दिन बाद सेम चीज़ हुआ। ऐसे में क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये सब शेड्यूल फॉलो करना मुझसे नहीं होगा। खुद ही खुद पर गुस्सा होने लगते हैं। आपको ये समझना होगा कि लाइफ कभी भी आपके हिसाब से 100% नहीं चलेगी। हर रोज़ आपको कोई ना कोई चैलेंज फेस करना ही होगा। कुछ कुछ दिन आप जीत जाओगे तो कुछ कुछ दिन आप हार जाओगे, लेकिन खुद के ऊपर प्यार से भरोसा रखना होगा। चैलेंज के सामने पड़ने पर गुस्सा होके, फ्रस्ट्रेटेड होके गिवअप तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उस चैलेंज को ठंडे दिमाग से पेशेंस के साथ फेस कितने लोग कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वही लाइफ में बड़ा कुछ कर जाते हैं। अब चॉइस आपकी है, आप किस कैटेगरी में अपना नाम लिखवाना चाहते हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले डिफरेंट हैबिट्स के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर बैड हैबिट्स के ट्रिगर्स को जितना हो सके आंखों के सामने से हटाना होगा, और गुड हैबिट्स के ट्रिगर्स को जितना हो सके आंखों के सामने लाके रखना होगा। फिर मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस करके एक शेड्यूल तैयार करना होगा, और सबसे आखिर में 1-2 दिन किसी वजह से उस शेड्यूल को फॉलो ना कर पाने से खुद पर गुस्सा ना होके खुद को प्यार से माफ करके खुद पे भरोसा रख के फिर से नया शुरुआत करना होगा। जैसे कि किसी ने कहा है, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मैजिक पावर दैट मेक्स यू अनस्टॉपेबल। इस टॉपिक पे आप अगर मुझे कोई बुक सजेस्ट करने के लिए कहोगे तो मैं आपको चार्ल्स ड्वेक द्वारा लिखा गया पावर ऑफ हैबिट बुक को रिकमेंड करूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। संतोष जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक फीडबैक के लिए। हमें खुशी है कि हम आपको मदद कर पाए। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतना सा भी मदद मिले तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी मिल सके सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।